कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें, परिवारों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। दरअसल आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता। आपको बता दें, दादरी क्षेत्र के 5 जवान अपना लोहा मनवाते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, जिन्हें सम्मान के साथ साथ हक दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सम्मान नहीं मिला। वहीं शहीद के आश्रितों का कहना है कि उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, जिसके चलते वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। मेरा भाई की जी 93 में ज्वाइनिंग हुई थी और 14 मार्च 1999 में शादी हुई थी और 2-3 दिन बाद सरकार का ऑर्डर आया, अभी जो जवान घर है वो अपने उस पे आ जाए। लड़ाई शुरू हो चुकी है और भाई उस दौरान अपने ड्यूटी पे चले गए थे और 18 जून को हमें खबर मिली कि भी तुम्हारा भाई शहीद हो चुका है। कारगिल की लड़ाई छिड़ गई और मेरा भाई ड्यूटी पर चला गया और 18 जून को कारगिल की लड़ाई में हमारा भाई शहीद हो गया और हम उसके दुख में डूब गए। और शादी को 3 दिन हुए थे, उसके बाद वो हमारे भरे परिवार को छोड़कर अपने घर चली गई और उसके दुख में हमारे माता पिता दोनों टूट के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गांव महराना के शहीद कुलदीप सिंह के माता पिता बेटे के गम में दुनिया छोड़ गए, जिस पर भाई संदीप द्वारा बताया गया कि माता पिता को सम्मान दिलाने के लिए लगातार कई वर्षों से दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आखिर में निराश होकर ही बैठ गए। बहरहाल जरूरत है कि देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों के परिवारों को इंसाफ मिले और पूरा सम्मान मिले।